नमस्कार, पिंक सिटी टाइम्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं, 2021 का नया कार्यक्रम राजस्थान री बाता। इस विशेष टॉक शो में हमारे खास मेहमान हैं जयपुर ग्रामीण के सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन जी राठौड़ साहब। राठौड़ साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। क्योंकि राजस्थान से आप आते हैं, और तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि राजस्थान की जो तस्वीर है उसमें आप क्या देखते हैं? एक तरह से जैसी राजस्थान की तस्वीर आती है, तो आप राजस्थान का भविष्य कैसे देखते हैं? राजस्थान को विकसित राज्यों में आने के लिए और किन क्षेत्रों में कार्य करने की आवश्यकता है? जी सर, देखिए राजस्थान का इतिहास बहुत बड़ा रहा है, और इतिहास इतना शानदार रहा है तो कहीं ना कहीं राजस्थानियों का उसमें योगदान रहा है। अब राजस्थानी तो वही हैं जो कई सदियों पहले भी थे, काबिलियत उनमें वही है, सिर्फ अवसर की कमी हो गई है। मुझे कई बार दुख होता है कि एक ऐसा राजस्थान जो पूरे देश के अंदर सबसे सुंदर राज्यों में से है, जो अपने इतिहास के लिए भी जाना चाहता है, और यहाँ के जो कर्मशील नौजवान हैं उनके लिए अवसर बंद क्यों होते जा रहे हैं धीरे धीरे? आईटी इंडस्ट्री क्यों बेंगलोर चली गई, क्यों नहीं यहाँ आ सकती? बिल्कुल आ सकती है, सरकार को उस पर काम करने की ज़रूरत है। हमारे इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं, सरकार को काम करने की ज़रूरत है। एक विजन चाहिए, एक विजन ऐसा चाहिए जिसके अंदर जो लीडरशिप है राजस्थान की वो अपने आप को झोंके इसके अंदर कि किस तरह से राजस्थान को और विकसित करा जाए, किस तरह से एक एक पैसा राजस्थान का राजस्थानियों के लिए देश के लिए काम आए। ये इस चीज़ की कमी है। आप देख लीजिए, आज आंकड़े देखिए, आप राजस्थान महिला उत्पीड़न के अंदर, महिला क्राइम के अंदर नंबर वन है पूरे देश के अंदर। तो इस तरह के जो हम अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं, बहुत ही गलत दिशा में हासिल कर रहे हैं। जो हमारी कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा गई है। हमारी पुलिस को काम करने की जो दिशा देने का काम है वो लीडरशिप का है, तो ये सारा कमजोरी दिखाता है। आप देखिए कि किस तरह से केंद्र सरकार की जो योजना है वही धरातल तक पहुंच रही है, और उसके अंदर भी अब राज्य सरकार अपने हिस्से का पैसा नहीं दे रही। तो इस तरह से जो सिस्टम है, अब मुझे लगता है कि राजस्थानियों को इस बात का समझ पूरा आ गया है कि अभी जो सरकार है उसमें बहुत गलती करी उनको बिठाकर। 2 साल हुए, कोई नई नीति नहीं आई, कोई नई योजना नहीं आई है, आपस में लड़ाई कर रही है अभी की राजस्थान की कांग्रेस सरकार। तो निश्चित रूप से सरकार बदलेगी, और अब 10 साल का विजन लेकर राजस्थान चलेगा कम से कम। अच्छा, तो जो आगे का प्रारूप है, आपका कहना है कि 10 साल का जो विजन है उसको लेकर के जो अभी वर्तमान में जो जनता में रोष व्याप्त है उसको लेकर के 10 साल के आगे की प्लानिंग चल रही है। सर, आप सैनिक भी हैं और एक अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं, तो जो भारतीय सरकार है वो जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं जो विशेष रूप से खेलों में जाना चाहते हैं उनके लिए क्या कर रही है, क्या विशेष स्कीम अभी गवर्नमेंट के पास में? देखिए, केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू करा जो ऐतिहासिक है, कभी पहले नहीं हुआ, और उनका सोच बहुत शानदार है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को जो 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, उन्हें हम अवसर दें एक शानदार माहौल में खेलने का, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक माहौल हो, उसमें मुकाबला करने का। और हर वर्ष हम उन प्रतिभाओं में से 1000 लोगों का, खिलाड़ियों का चयन करें हर साल, जिन्हें हम 5 लाख रुपए तक प्रति वर्ष दें और 8 वर्ष तक लगातार देते रहें। तो इस तरह का जो समर्थन है वो आज तक कभी नहीं मिला था, वो अब मिल रहा है। साथ साथ जो देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, उनका जो ट्रेनिंग का पैसा है वो अलग, उनको 50,000 रुपये उनके जेब खर्च का देना शुरू करो, ताकि वो अपने माता पिता की तरफ देखने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं तो अलग अलग तरह के ताने सुनने पड़ते हैं बच्चों को कि खेलना मिलना बंद करो, इसमें पैसा सिर्फ खर्च हो रहा है। तो अब ट्रेनिंग का पैसा सब कुछ वो अलग है,
उसके जेब खर्च अलग है 50,000 रुपये प्रति माह। तो बहुत इस तरह से काम करा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलों के प्रति। अब राजस्थान खेलों में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? राजस्थान एक समय में बास्केटबॉल में फुटबॉल के अंदर सर्वश्रेष्ठ होता था। हमारे खिलाड़ी अब हैं, दौड़ में बहुत अच्छे होते थे, आज नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा। आप देखिए कि सेना भर्ती, देखिए राजस्थान से सेना के अंदर हमेशा हमारे नौजवान जाते हैं और पूरे देश का मान सम्मान और रक्षा करते हैं। लेकिन जयपुर जैसे जिले के अंदर ही अब दूसरा वर्ष होने वाला है जहां सेना की भर्ती बंद कर दी। पहले 6 वर्ष तक सेना की भर्ती नहीं होती थी, हमने सेना की भर्ती शुरू कराई 2014 में, लगातार सेना की भर्ती हुई, बहुत हज़ारों की संख्या में हमारे नौजवान सेना में गए जयपुर ज़िले से। देश राजस्थान की राजधानी है और राजस्थान की राजधानी में आपने फिर कांग्रेस सरकार ने आकर दी, दूसरा वर्ष जब आपने सेना की भर्ती बंद कर दी, हाथ खड़े कर दिए कि साहब सेना की भर्ती जयपुर ज़िले में नहीं हो सकती, हमने कराई है ना, तो राजस्थान की अभी मौजूदा सरकार क्यों नहीं करा सकती? आप हमें मौका दीजिए, 25 लाख रुपये खर्च होते हैं सेना भर्ती में, हम अपनी जेब से खर्च करेंगे। कांग्रेस की मुख्यमंत्री साहब बोले कि हम नहीं कर सकते, भाजपा तैयारी करा दे, हम सेना की भर्ती करवा देते। जी आपका जो दृष्टिकोण है जो युवाओं के प्रति जो सेना में जाना चाहते हैं बहुत ही सकारात्मक नजर आ रहा है। और अफसर एक जो सवाल है मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जब पढ़ते थे तब एक भारत हुआ करता था और अभी हम एक इंडिया की तरफ अग्रसर हैं, एक भारत जिसके बारे में लोगों की छवि विदेशों में सांप से पहले वाली छवि हुआ करती थी, आज उसको एक न्यू इंडिया के रूप में छवि हो रही है। और अभी आपको क्या लगता है, क्योंकि जो भारत है वहाँ पे सपेरे हैं, सांप से पहले हैं, झाड़ फूंक है, ऐसा लोगों को लगता था, अभी जो भारत है वो साइंटिस्ट वाला भारत है, नासा वाला भारत है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, ठीक है। तो सर अभी आपको क्या लगता है कि अपने जो गवर्नमेंट है वो भारत से इंडिया तक का जो सफ़र है इसमें अभी भी कुछ सुधार की आवश्यकता है सर, कि या हम उस स्थिति तक पहुंच गए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और ये जो सफ़र है ये तो लगातार चलता रहेगा। ग्रामीण भारत और अर्बन भारत का बीच में जो फासला है उसे दूर करने की सख्त ज़रूरत है और उसमें लगातार पहली बार मोदी सरकार पूरी तरह से उस पर काम कर रही है। आपने सही कहा कि हमारे देश एक ऐसा देश है जहाँ जिसमें हर तरह की चीज़ आपको मिल जाएगी, बहुत ही डाइवर्स देश है। आज हमने 100 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज चुके हैं और मोबाइल टेक्नोलॉजी में जहाँ 2 कंपनियाँ होती थी आज 200 से ज़्यादा कंपनियाँ हैं जो मोबाइल फ़ोन देश में बनाती हैं। भारत के साइंटिस्ट हैं जो नासा में काम करते हैं, आज भारत के साइंटिस्ट भारत में भी काम कर रहे हैं। आज भारत रक्षा के प्रोडक्शन के अंदर, तोपें हवाई जहाज बनाने के अंदर भारत में अब काम शुरू हो गया है। तो पहले हम सिर्फ खरीदते थे, आज खुद अपने हथियार बनाते भी हैं और उनको निर्यात भी करते हैं। तो धीरे धीरे आज हम मजबूती की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, भारत को मजबूत कर रहे हैं। और इस मजबूती के अंदर हर भारतीय का योगदान भी है और हर भारतीय को लाभ भी मिलेगा। भारत में बहुत क्षमता है और वो क्षमता गांव में बसती है, शहरों में भी बसती है, लेकिन अवसर बराबर मिलने बहुत ज़रूरी है। इसीलिए शहर और डेवलप हो तो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आए प्रधानमंत्री मोदी जी, गाँव और विकसित हो इसलिए सड़कों से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। गांव के अंदर किसान बहुत एक महत्वपूर्ण एक वर्ग हो जाता है, वो उसको बांध के नहीं रखना, उसे आज़ाद करना बहुत ज़रूरी है ताकि उसकी आमदनी 2 गुना हो जाए और बढ़ जाए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्ष्य रख दिया कि इस तारीख तक हम किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, इस तारीख तक हमारे शौचालय पूरे हो जाएंगे, इस तारीख तक हमारे गैस कनेक्शन हो जाएंगे, हमारी आयुष्मान भारत योजना पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना शुरू कर दी, सड़कों का जो विस्तार हो रहा है वो अभी तक के जितनी भी सरकारें रही हैं उससे कहीं ज़्यादा गति से सड़कों का विस्तार हो रहा है। दुनिया आज अपना पूंजी निवेश भारत में कर रही है, भारत का जो नौजवान है वो स्वस्थ भी है और वो स्किल्ड भी है, और स्किल करके सिर्फ भारत में ही काम नहीं करे, पूरी दुनिया में जाकर काम करे, ये आज भारत का स्वरूप है और इस दिशा में
प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि न्यू इंडिया है, नए भारत की तैयारी, और नए भारत की सोच भी एक नई होनी चाहिए, प्रगतिशील सोच की जरूरत है जी। जो एक प्रतिबद्धता है योजनाओं को लेकर के, उसमें काफ़ी गंभीर है प्रधानमंत्री जी भी और उनकी टीम भी। सर हम खेत में बैठे हैं, मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, तो आप हमें ये बताएं कि वास्तव में किसान कानून जो अभी लेकर आए हैं उनसे कोई नुकसान होने की संभावना है क्या, या फिर उनको सिर्फ भड़काया जा रहा है, या कई लोग कहते हैं कि डमी किसान है, ऐसा कुछ, इसके बारे में सर अपना व्यू प्लीज। बहुत अच्छा सवाल है आपका, और अभी आपको ताज्जुब होगा, मैं जब कई किसानों से बात करता हूं तो उन्हें पूरी जानकारी नहीं है अभी, तो आपके माध्यम से ये जानकारी भी किसानों तक पहुंचेगी। देखिए सरल शब्दों में मैं बतलाऊं तो तकरीबन 50 और 60 के जो दशक था उस समय भारत के पास खाने के लिए पूरा अनाज नहीं था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए, और अच्छा था वो ग्रीन रेवोल्यूशन, और उसके कारण भारत में अनाज पूरा हो गया। आज भारत जो अनाज का उत्पादन करता है वो जितनी भारत को ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा उत्पादन उपज है, तो मार्केट आज खुलना ज़रूरी है। हमने किसान को बांधा हुआ है कि किसान एक सब्जी मंडी, अपनी जो मंडी है वहीं पर ही जाकर अपनी जो उपज है उसको, उसकी बिक्री कर सकता है। मंडी के अंदर जिसको लाइसेंस मिलता है वही खरीद कर सकता है, तो आपने एक लाइसेंस सिस्टम शुरू कर दिया कि जितने भी किसान हैं एक पूरे बड़े क्षेत्र में वो एक ही मंडी में जाएंगे, और वहाँ पे गिने चुने लाइसेंस वाले हैं, वो लाइसेंस वाले आपस में सांठगांठ कर लेते हैं और वो जो रेट है उसको दबा के रखते हैं। सरकार ने फिर MSP पे खरीदना शुरू करा। MSP पे खरीदती सरकार इसलिए है ताकि देश के अंदर जो नागरिक हैं खाद्य सुरक्षा बिल के तहत उनको खाना भोजन पहुँचाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी जी ने MSP पहले कम होता था, स्वामीनाथन कमीशन एक बैठा इसके ऊपर, देखिए किसान का जीवन और सरल हो और बेहतर हो, उसकी आमदनी बढ़े, इसके ऊपर तो हर सरकार चिंतन कर रही है, चर्चा कर रही है, कमीशन बिठाती है, लेकिन वो कमीशन जो उनको दिशा देती है उस दिशा पे काम करने की हैसियत या हिम्मत आज तक किसी भी सरकार में नहीं थी। स्वामीनाथन कमीशन 2007 में गठित हुआ था, 2007 में जो उन्होंने जो तरीके बताए किसान का जीवन को और सरल और मजबूत बनाने के लिए, उस समय की UPA सरकार में हिम्मत ही नहीं थी उसको क्रियान्वित करने के लिए, तो 2007 पूरा निकला, 2014 में जो प्रधानमंत्री मोदी जी आए उन्होंने MSP को डेढ़ गुना करा, लागत से डेढ़ गुना, तो MSP बढ़ी। फिर जितना 2014 से पहले UPA सरकार अनाज खरीदती थी उससे 3 गुना ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी जी ने खरीदना शुरू करा, तो ज़्यादा खरीदा भी। अब पूरे देश के अंदर जितने भी हमारे जितनी भी खरीद होती है वो सारी खरीद सरकार नहीं करती है, सरकार तो एक छोटा सा अंश करती है खाद्य सुरक्षा बिल को ध्यान में रखते हुए, लेकिन जो उपज है जो किसानों की उसकी आमदनी क्यों नहीं ऊपर जाए, उसके लिए मार्केट को खोलना बहुत ज़रूरी है। जैसे उदाहरण दूँ आपको, राजस्थान के किसान ये जानते हैं कि हरियाणा में कई चीज़ों के दाम ज़्यादा बेहतर मिलते हैं, लेकिन आप हरियाणा में बेच नहीं सकते, आप दूसरी मंडी में भी नहीं बेच सकते, तो ये जो किसान को बांधा हुआ है इसको खोलना बहुत ज़रूरी है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज किसान को मुक्त कर दिया है। आज किसान के पास मार्केट आता है कि हम खरीदना चाहते हैं, किसान को मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं, प्लस आज किसान के पास समय सीमा भी बढ़ गई है कि वो अपना दाम खुद तय करे और कब तय करे। मैं अभी उदाहरण दे रहा था कि बीज बोने के समय से किसान तय कर सकता है कि मेरी जो उपज है उसकी कीमत क्या होगी, और पसंद नहीं आती तो अपना समय लगा सकता है, फसल जैसे जैसे बड़े हो वो तब भी तय कर सकता है कि फसल की क्या कीमत होनी चाहिए, और सारे पूरे ग्राम पंचायत के आसपास के किसान मिल जाएं तो बहुत बड़ी ताकत हो जाते हैं, एक ही तरह की फसल लगाई है तो एक साथ बेचो पूरी फसल को। और मैं आपको उदाहरण देता हूँ, किसान का बेटा या बेटी आज पढ़ लिख कर बड़े हो गए हैं, अगर वो उसी खरीद को अपने पिता की जो उपज है उसको खरीद कर मार्केट में सीधा बेचना चाहें तो
तो आज कानून नहीं है, पुराना कानून नहीं है जो बेच सकते हैं। मोदी जी ने जो कानून बनाया है उसके तहत किसान का बेटा बेटी अपनी अगर सरसों है तो उसका तेल निकाल कर अपनी खुद की ब्रांड बनाकर बेच सकते हैं, टमाटर हैं तो उसकी प्योरी निकाल के बेच सकते हैं, उनको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं। और ये भी कर दिया कि बाध्य भी नहीं है किसान, ये नहीं कि जो अभी नया कानून बना है उसमें बाध्य है। आपको पुराना सिस्टम से बेचना है पुराने सिस्टम से बेचिए, आपको नए सिस्टम से बेचना है नए सिस्टम से बेचिए, कोई बात नहीं। तो परेशानी कहाँ है? परेशानी यहाँ पर है कि जो पुराना सिस्टम जिस पुराने सिस्टम से जिनको बहुत लाभ हो रहा था वो नए सिस्टम को देख कर घबरा रहे हैं। उनको लग रहा है कि नया सिस्टम आ गया तो हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी। हमें उनसे भी दिक्कत नहीं है, मोदी सरकार को उनसे भी दिक्कत नहीं है। हमें और एक परेशानी है, आज कुछ एक हैं लोग जो भारत को कहीं ना कहीं तोड़ना चाहते हैं। ऐसी ताकतें देश के अंदर भी हैं और देश के बाहर भी हैं। ये ताकतें आज लोगों को भड़काने में लगी हुई, जमीन हत्या लेंगे कहीं जमीन, उसमें कानून में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है किसान की जमीन का कोई सौदा नहीं हो सकता, हर तरह से उसके अंदर लिखा हुआ है कि किसान ही मजबूत होगा। लेकिन भड़काने वाले लोग भड़का रहे हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से जो किसान है वो जागरूक हो गए। तो सर अभी कल या परसों में आंदोलन की एक नई रूपरेखा देखने को मिल रही है, जिसमें जो बोर्ड हैं पंजाब में उसमें जैसे लुधियाना है तो हिंदी में लिखा हो तो उसके ऊपर कुछ गाली गलौज होती जा रही है, तो ये क्या आंदोलन किसान आंदोलन से हटकर अब कोई भाषा का आंदोलन हो गया या ऐसी कुछ क्या प्रारूप इसका? देखिए ये असली रूप में तो किसानों का आंदोलन है ही नहीं। हाँ कुछ किसान जरूर हैं जिनको भड़काया हुआ है और उस कारण से आप देखेंगे पंजाब वाले किसान हैं। ये बड़े रूप में एक देश विरोधी का आंदोलन बनता जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को भड़काया जाए, क्योंकि वो हिंदी में मिटाया जा रहा है तो आंदोलन को हिंदी वर्सेस पंजाबी करने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है। सर अंत में क्योंकि कल परसों युवा दिवस आ रहा है, 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद जो यूथ आइकन के रूप में अपने संपूर्ण भारत के लिए हैं, तो उस पर युवाओं के लिए आपका कोई विशेष संदेश? देखिए युवाओं में बहुत ऊर्जा होती है, बहुत ताकत होती है, काबिलियत भी इसीलिए बहुत होती है युवाओं के अंदर। तो युवा हमेशा अपने सिद्धांतों पर चले और सिद्धांत हमारे जो गुरु हैं वो हमें सिद्धांत देते हैं। अध्यापक भी गुरु होते हैं, माता पिता भी गुरु होते हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो भी गुरु होते हैं। उनके दिए हुए सिद्धांतों पे चलें, जब सिद्धांतों पे चलेंगे तो हमारा रास्ता सही दिशा में रहेगा, तो सही दिशा में हमारी ऊर्जा लगेगी तो उससे फ़ायदा होगा। आज मोबाइल फ़ोन है, आज मैं देखता हूँ बहुत से नौजवान मोबाइल को लेकर सिर्फ यही देख रहे होते हैं कि कोई इंटरेस्टिंग चीज़ दिख जाए। एक व्हाट्सएप मैसेज आता है उसको देखते हैं, वो पसंद नहीं आता तो दूसरा खोलते हैं, दूसरा पसंद नहीं आता तीसरा चौथा, ये खोलते रहते हैं फेसबुक एक नहीं दूसरा तीसरी यूट्यूब, कहाँ उनको कोई इंटरेस्टिंग चीज़ मिल जाए। अगर ये सारी चीज़ें आपका जीवन बदलती हैं तो ज़रूर देखिए, और अभी तक पिछले कुछ महीनों में आपका जीवन नहीं बदला तो फिर इन सब के ऊपर समय व्यर्थ करना बंद कर दीजिए। कभी कभी देखिए लेकिन समय पूरा मत लगाइए। आपको कोई ना कोई ऐसा पैशन पकड़ना पड़ेगा, जज्बा एक पैदा जो जिस चीज़ में है उस चीज़ में अपनी पूरी जान लगाइए तो उसमें सफलता 100% मिलेगी आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी और अंत में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे जो ये पहला कार्यक्रम था राजस्थान की बात जो टॉक शो था इसमें आप पहले गेस्ट के रूप में पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय।